तो so, hey का बहुत बहुत स्वागत है अभी ये वाला चीज़ आप देख रहे हैं आर वन फाइव भर्सन थ्री का भाईजर और उसमें ब्लैक कलर का डी भाई सर तो बहुत अमेजिंग है सो so, ये hey, जो सीरीज चल रहा था आर वन फाइव भर्सन टू को ये वाला इसको आर थ्री में कन्वर्ट करने का सारा का सारा सामान आ चुका है फाइनली तो उनमें से ये एक पार्ट है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आया है सो so, hey, ये जो डब्बा देख रहे हैं बड़ा सा ये सिपिंग हुआ है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको टैंक इसका जो टैंक कवर है बिल्कुल रेड कलर में मैंने ऑर्डर दिया था फाइनल और ये एक्चुअली हैंडमेड है देख सकते हैं पीछे देख सकते हैं ये टोटली totally हैंडमेड है कास्टिंग बोल सकते हैं मोल बोल सकते हो ये पूरा इसके ऊपर आने वाला है ठीक है तो ये आपका टेंक क्वालिटी देख सकते हो इसको साइड में रखते हैं सेकेंड बात करिए वाला चीज़ ये है एक्चुअली आर का टेल देख सकते पूरा वन पीस में आया है और थोड़ा बहुत डैमेजेस अगर हैं तो हम इसको कवर कर देंगे बाकी क्वालिटी वगैरह देख सकते ये ये भी एक्चुअली हैंडमेड है तो ऊपर से देख लो क्वालिटी इसको हम पीछे टेल में इंस्टॉल करने वाले हैं तो आराउंड फाइव थर्सन टू में ये आपका कस्टम पार्ट लग जाएगा नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ आपका ये वाला सेक्शन जो कि ये आपका लॉक में लगता है इस तरीके से तो ये वाला ये वाला चीज़ हो गया और अब मैं आपको दिखा हूँ ये वाला विंगलेट देख सकते हैं ये आराउंड फाइव थर्सन टू का हैंडमेड विंगलेट है अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो भी हो सकता है बट ये हैंडमेड है देख सकते हो पीछे बनाया हुआ है तो इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर करने की जरूरत है बाकी इसको घिसाई करेंगे थोड़ा सा तो ये होगा गया उंग, लाइट और ये आपका टैंक तो हो गया टैंक को साइड में रखते हैं टैंक कवर बोल सकते इसे और नेक्स्ट ये हेडलाइट ये है आर थ्री का हेडलाइट असेंबली जैसा मैंने स्टोरी में पोस्ट किया था ना तो मैं आपको इसको साइड में सावधानी से रखता हूँ तो सो so ये है आर थ्री का हेडलाइट असेंबली देख सकते हो और इसको मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया ये वाला भाइजर तो देख सकते हो मैं आपको अगर क्लोज अप लुक दिखेगा ना तो ये है आर थ्री का हेडलाइट कितना अमेजिंग लग रहा है टोटली ये पूरा हेड असेंबली देख सकते पीछे है देख सकते हो इसमें अभी हम इसमें डी आर इंस्टॉल करेंगे मतलब इसको ओपन करके ना इसको ओपन करके यहाँ पे हम इस पोर्शन को डी आर एल मतलब डे टाइम रनिंग लाइट जो व्हाइट कलर का आता है बाकी सामने से तो खतरनाक लुक रहा है ये आर्थिक का जो साढ़े तीन लाख वाला जो बाइक आता है ना उसका ये पार्ट है ओरिजिनल पार्ट है ये पूरा ऑरिजिनल पार्ट है ठीक है तो ये आपका हेड असेंबली इसको हम पर्सन टू में इंस्टॉल करेंगे और नेक्स्ट आया है आ, ये तो सीट था ये इसका साइड का पैनल ये दो आप साइड के पैनल देख रहे हो ना ये साइड के पैनल कस्टम मेड है क्योंकि ये एडजस्ट करना पड़ेगा ये भी हैंडमेड है इसको मैं इंस्टॉल करके यहाँ पे ड्रिल मैंने अभी से कर लिया है मेजरिंग करके तो ये वाला पार्ट साइड में रख देते हैं और अभी साइड का ये वाला आपको सील मैंने बाइंडिंग कर दे सकते हैं कितना अमेजिंग बाइंडिंग हुआ है बिल्कुल ब्लैक कलर में और ये जो पार्ट साइड का पार्ट देख रहे हैं इसको भी मैंने ऑर्डर दिया था ये एक्चुअली रेड कलर में पेंट हो आया है ठीक है ये भी हैंडमेड है मतलब ये ऑरिजिनल पार्ट है इसके ऊपर रेड कलर में देख सकते हैं बिल्कुल आया है इतना सारा इतना सारा पार्ट अभी हो चुका है और अभी स्टिकरिंग बोले तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा स्टिकरिंग भेजे इसके ऊपर स्टिकर पूरा ए एम में होने वाला है वाइट के ऊपर और वाइट स्टिकर एंड ब्लैक दोनों होगा इसके ऊपर बाकी और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है ये वाला मैंने तो विंगलेट मतलब साइड का पत्ला देख सकते हैं और ये स्पार्कलिंग वाला आपका कलर है तो ये सब चीज़ें आए ये सब मैंने तो ब्लैक पहले से करके रखा था तो सबसे पहले हम क्या करेंगे और इसका जो लाइट है ये टूटा हुआ है बट इसको हम फिक्सिंग कर देंगे तो सबसे पहला काम है इस पोर्शन तो कंप्लीट हो चुका है इसका मैंने रेसर बोल सकती इसका जो बियरिंग सेट आता है हैंडल कोन बियरिंग वो भी मैंने रिप्लेस कर दिया बिल्कुल न्यू ही लगाया है तो इसमें क्या होगा ना ये पूरा हैंडल स्मूथ हो जाएगा और गड्ढे में इसका साउंड नहीं आएगा और मैं जो हेडलाइट माउंटिंग बोल रहा था ना इसको मैंने टील्ड किया है थोड़ा सा वेल्डिंग करके क्योंकि याद रहा इसमें बैठेगा नहीं ये आर वन फाइव टू का है तो हम आर थ्री में ग्राउंड कर रहे हैं तो उस हिसाब से इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ये वेल्डिंग वगैरह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर बाद और एक चीज़ लास्ट में है वो ये चीज़ आर भाई फाइव हार्सन थ्री का आपका जो वाइज़र है और उसके ऊपर ब्लैक वाइजर इसको मैंने देख सकते हैं आठ नंबर के चार बोल्ट है इंस्टॉल कर दिया है तो ये फिनिशिंग हो गया है और ये जो मीटर जैसे हम देख रहे हैं ये इसका इस मीटर ही यूज़ हो जाएगा तो हम लेट ना करते हुए जब हम क्या करेंगे इसका जो पीछे का टेल है ये वाला जो टेल है ये वाला टेल है इसको पहले इसके इसमें इंस्टॉल करते हैं और इसमें इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको लाइट को फिक्सिंग करना है लाइट इसका टूटा हुआ है तो हम ब्लैक फेविक से इसको ठीक कर देंगे कोई दिक्कत नहीं तो चलिए टेल इंस्टॉल करते हैं पहले इंस्टॉल करने से पहले अब ये वाला जो लाइट देख रहा है इसको मैंने पहले प्लग इन कर दिया है प्लग इन कर दीजिए अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होगा देखिए इस जगह पे मैंने फिटिंग कर दी है और यहाँ पे जस्ट फेव्रिक मारना है और कुछ बॉन्ड अप्लाई करना है तो ये लाइट फिक्सिंग हो जाएगा अगर मैं आपको नीचे से लुक दिखाऊँ ना तो अगर मैं आपको नीचे से दिखाऊँ तो लाइट बिल्कुल एकदम इसके बीच में होना चाहिए अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं इस चीज़ को डिफेट आप इस चीज़ को पचास इंस्टॉल करने वाला हो तो यहाँ पे बिल्कुल स्टेट बनना चाहिए और इसको थोड़ा सा पुश कर दीजिए लाइट को तो ये जो है हम ये देख सकते हैं नीचे तरह आ जाएगा तो यहाँ पर इस तरह सेम ऐसा करके ना आपको यहाँ पे अगर आपका क्लिपिंग वगैरह सही है तो कोई तो कोई कहीं नहीं मेरे पास टूटा हुआ है तो इसको हम फेक से फिक्स कर देंगे यहाँ पर बाकी ये वाला चीज़ इंस्टॉल हो गया अब यहाँ पर एक दो दो ड्रिल करके यहाँ पर आ, कुछ नट बोल्ट अटच करना है और उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे चार और इसमें आई थिंक कुछ है नहीं तो ये पूरा फिक्सिंग हो जाएगा यहाँ पे दो बोल्ट अटैच कर दीजिए इसके नीचे से नहीं जाएगा ये वाला उस ऊपर रहेगा हम 10 नंबर का बोल्ट का यूज कर रहे क्योंकि वो वाला बोल्ट है नहीं बट ये भी लुक में अच्छा लग रहा है बस ज्यादा टाइट ना करें एंड गाइस इसके साथ ये वाला पीछे का टेल कंप्लीट होता है प्रोसेस देख सकते हैं यहाँ पे दो मैंने 10 नंबर का बोल्ट अटैच कर दिया और यहाँ पे दो स्क्रू बिल्कुल फिनिशिंग में आ चुके हैं और पीछे से लुक देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट है बिल्कुल एक्यूरेट मतलब देख सकते हैं बिल्कुल फिक्सिंग हो गए अब इसको ये हिलेगा नहीं बट इसको फिर भी हम यहाँ पे ये स्क्रू है इसको अटैच कर देंगे तो ये हम पीछे का टेल इंस्टर आर वन का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है अब हम क्या करेंगे इसका जो टैंक कवर है वो इंस्टर करेंगे ये आर वन फाइव पर्सन टू का स्टॉक लॉक तो इसमें बैठेगा नहीं क्योंकि इसका जो प्लेट है ना वो ये कस्टम है तो मैंने यहाँ पे चारों होल कर दिए है तो ये जाके इसमें इसमें बैठ जाए और यहाँ पे मैंने लॉक लगा दिया है ये वाला लॉक देख सकते हैं ये है आर फाइव का स्टॉक लॉक सिस्टम ये तो काम में नहीं आने वाला है तो हम क्या करेंगे जो उठा हुए ये मुझे रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ से ग्राइंडर वाले से इसको काट देंगे और मुझे उसमें चिपकाना पड़ेगा अभी देखो इसका जो लॉक है तो यहाँ पे मैंने स्क्रू से अटैच कर दिया जो कंपनी से था थिम्बल लगा के दो अटैच कर दिए और इसको मैंने ग्राइंड कर दिया अब ये वाला लॉक इस प्लेट में बैठेगा कैसे बैठेगा देखो ये पहले इसको आप इस तरह से लगाइए और यहाँ पर सामान कुछ इस तरीके से बार्स नीचे निकलेगा ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देख सकते हो ये पूरा कंपनी जैसा होगा क्या हो, क्यों हो, क्या हुआ देखिए यहाँ पे हम एमसी लगा देंगे और यहाँ पे हम एम लगा देंगे तो अगर लॉक ख़राब हो जाता है तो हम सिंपली क्या करेंगे स्क्रू को ओपन करेंगे लॉक निकल जाएगा क्योंकि ये वाले हिस्से इसके साथ फ़िक्स हो गया है एम सील से और ये वाला हिस्सा फिक्स हो जाएगा हो जाएगा तो क्या होगा अभी देख सकते हैं ये लॉग इस तरह से हो गया और हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे मतलब एम सी लगाने के बाद तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा तो इस तरीके से आप पूरा टेल असेंबली कर सकते हो सो ऐसे नेक्स्ट हम इसमें ये जो टैंक कवर है आर वन का ये इंस्टॉल करेंगे कर और एक्चुअली ये रेड कलर है कैमरा में है ना दूसरा तरह का दिख रहा है एक्चुअली ये पूरा रेड का ओरिजिनल रेड कलर का है तो इसमें इंस्टॉल करने से बिल्कुल ईजी है बट आपको करना पड़ेगा यहाँ पे जो दो बोल्ट देख रहे हैं ना यहाँ पे जो दस नंबर का बोल्ट देख रही है इसे ओपन करके यहाँ पे हमको ड्रिल करना पड़ेगा अपने हिसाब से ड्रिल करके लगाना पड़ेगा तो एस हेयर इज़ द फाइनल लुक अभी टैंक और आपका टेल का अभी सामने का पोर्शन मैं आपको दिखाऊंगा क्या इंस्टॉल होने वाला है बहुत ही मज़ेदार है वीडियो होने वाला है नेक्स्ट पार्ट देखना ज़रूर अभी देख सकते हैं बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल ब्रांड न्यू हो चुका है इस पोर्शन को हम हाँ एक्चुअली स्क्रू भी नहीं मतलब नॉर्मली रखें स्क्रू वगैरह तो होगा तो देख सकते मैं हो मैं आपको अगर चाबी ऑन कर दी इसका टेल लाइट बिल्कुल बहुत सेक्सी लग रहा है इसका जो टेल लाइट है ना तो मतलब जैसे आर का लुक आता है देखो मैं आपको टेल लाइट जला कर दिखाता हूँ उससे पहले देखो बिल्कुल फिनिशिंग वगैरह सब कुछ ओके है इसके ऊपर अभी स्टिकरिंग बहुत काम होने वाला है फ्रंट का पोर्सन आर थ्री का हेडलाइट इंस्टॉलेशन होने वाला है तो अभी टैंक का और टेल का लुक देख सकते हो बाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसा हो रही है धीरे धीरे हो रही है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो फ्रंट पोर्सन है वो कैसा है फ्रंट पोर्सन बोले तो ये है आर थ्री का हेडलाइट सब कुछ जैसे पार्सल आ चुका है तो इसको मैं अगर उठा के दिखाऊँ ना एकदम ब्रांड न्यू जैसा लग रहा है बिल्कुल ब्रांड न्यू ही है और बिल्कुल कलर किया हुआ है रेड इसके ऊपर ये मास्क हट जाता है ये रिमूव हो जाता है स्क्रू वगैरह है और ये आपका टेल मतलब आपका साइड का पत्रा और ये आपका देख सकते हैं हेडलाइट के सामने इस तरीके से लगता है मतलब खतरनाक लगने वाला है ये वाला पोर्शन इसका इस, इस पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ठीक है देखो क्या लुक आ रही है एकदम परफेक्ट फिटिंग है फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं देख सकते बिल्कुल ओके फिटिंग है बिल्कुल एकदम एज टू एज देख सकते हैं बिल्कुल एज टू एज और ये सब कुछ काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट पार्ट देखना जरूर अभी इसका फिफ्टी परसेंट बोले तो कंप्लीट हो चुका है अभी सामने का बोर्ड बहुत अमेजिंग लगने वाला है नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे बाकी ये वाला लुक अभी तक आपको कैसा लग रहा है भाई कॉमेंट करो भाई डेफिनेटली बहुत मेहनत लग रहा है कॉमेंट करो और इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा काम में बिजी सी हूँ इसलिए वीडियो नहीं आ रहा है प्रॉपर टाइम से बाकी ये दो दिन में कम्पलीट हो जाएगा एक दो दिन में तो नेक्स्ट पार्ट देखना चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाय बाय हर चैनल में नए हो तो सभी सब्सक्राइब का बटना है सब्सक्राइब करो और कुछ भी नहीं करना है जब सब्सक्राइब करो लाइक करो वीडियो को और और क्या शेयर करो वीडियो को चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाय बाय जय हिंद बंदे मातरम भारत की जय बढ़ी है